नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं एक कहानी जो जानना जरूरी है। ये कहानी उनके लिए है जिनको ऑफशोर कंपनी का खेल समझ में नहीं आता है। तो हुआ ये कि गौतम नाम के एक आदमी ने, बदला गया नाम है, उसने बिजनेस किया। कुछ पैसा सफेद आया, कुछ थोड़ा कम सफेद आया। कम सफेद मतलब जो सफेद ना हो लेकिन किसी और रंग का भी ना हो, काले से मिलता जुलता कैसे। इस पैसे को सफेद करना था तो ऐसे देश खोजे गए जहां आपकी इनकम का कोई सोर्स ना पूछा जाए, मतलब टैक्स दिया और बात खत्म हो गई। ये ऐसे देश होते हैं जहां पर कंपनी खोलना आसान होता है, कैपिटल कहां से आ रही है इससे कोई मतलब नहीं होता, डायरेक्ट टैक्सेशन कीजिए, हो गया। तो काल्पनिक नाम वाले गौतम ने किसी और के काल्पनिक नाम से कंपनी खोली। ये बड़े और महान देश होते हैं जैसे साइप्रस हो गया, केमैन आइलैंड हो गया, वगैरह वगैरह, मॉरिशस हो गया। तो उस कंपनी में जो थोड़ा कम सफ़ेद वाला पैसा था वो ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब काल्पनिक नाम वाले गौतम ने विदेश में बनाई गई कंपनी में जो पैसा भेजा था, अपना ही पैसा, वो देश में चल रही अपनी ही कंपनी में वापस लगा दिया उस कंपनी के जरिए। तो इस तरह से विदेशी निवेश के नाम पर यह पैसा सफ़ेद हो गया। वैसे भी काला धन रखना अच्छी बात तो है नहीं, सफ़ेद कर लेना ठीक रहता है। फिर काल्पनिक नाम वाले गौतम को कई बार थोड़े कम सफ़ेद पैसे की ज़रूरत पड़ती होती है, अब क्योंकि सरकारी काम जो है वो बिना सुविधा शुल्क के कहाँ होते हैं। नेता, मंत्री, IAS वगैरह जो हैं, अब इनकी इतनी सैलरी तो होती नहीं है कि ऊपरी कमाई के बिना घर चल पाए, कैसे चलाएंगे घर बेचारे। तो अपना थोड़ा जो सफ़ेद धन था, कम सफ़ेद धन, वो इधर उधर गौतम का होता रहता था। अब ये जो काल्पनिक नाम वाला गौतम है, ये धीरे धीरे तरक्की करने लगा। इतनी मेहनत 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 जो कर रहा था, फिर एक समय आया जब उसने अपना IPO लॉन्च कर दिया, मतलब कि अपना पैसा जो है, अपनी कंपनी जो है वो शेयर मार्केट में लिस्ट करा दी। अब उसका नाम होने लगा, शेयर के दाम से पैसे आने लगे। अब यहाँ से ये जो ऑफशोर कंपनी बनाई थी विदेश में, तो बड़े बड़े देशों में, उसका असली काम आता है। तो काल्पनिक नाम वाले गौतम ने अपने भाई बहनों, रिश्तेदार, दोस्तों, कर्मचारियों के नाम से उन महान देशों में और कंपनियां बना ली। अपना ही पैसा था, जहाँ चाहे भेजो, जिसके नाम से डालो। तो उन कंपनियों में वो पूंजी चली गई सीधे नहीं, ऑफशोर, मतलब किनारे से। ऑफशोर का मतलब ही वही है भाई, नाम वाम की कोई इज्जत है ना। अब उन्हीं कंपनियों में वो जो काल्पनिक नाम वाला गौतम था, उसी का पैसा था। वही पैसा फिर से वैसी ही भारत वाली कंपनी में आ गया, वही पैसा वहीं से वहां आ गया, लेकिन इस बार थोड़ा अलग तरह से आया। इस बार ऑफशोर कंपनियों में जिस कंपनी और जिस आदमी का पैसा था, उसी की कंपनी में निवेश किया गया और शेयर यानी कि स्टेक होल्डिंग खरीद लिए गए। नहीं समझे? मतलब मान लीजिए कि गौतम, काल्पनिक नाम वाला गौतम, उसके पास 100 रुपए है, 80 कंपनी में है, 20 उसके पास थोड़ा कम सफेद वाले हैं, उसने 20 में से 10 रुपए निकाले और ऑफशोर कंपनी में भेज दिए। ऑफशोर कंपनी ने उसमें से 8 रुपए 80 रुपए वाली कंपनी में डाले, बदले में क्या लिया, शेयर खरीदे। 10 शेयर नहीं, 10% नहीं, केवल 1%। अब जैसे ही गौतम, जो एक ऋषि का भी नाम था पर काल्पनिक है, उसकी ऑफशोर कंपनी ने ऑनशोर कंपनी में 8 रुपए डाले और 1% शेयर लिया, तो 100% शेयर कितने के हो गए, यानी कि जिस कंपनी में केवल 80 रुपए थे उसकी वैल्यूएशन हो गई 1% के 8 रुपए के हिसाब से 800 रुपए। समझे आप? नहीं समझे? बदले हुए नाम वाले गौतम के पास है 100 ही रुपए, क्योंकि 10 उसके हाथ में है, 10 उसने विदेश वाली कंपनी में भेजे हैं, 80 इस कंपनी में थे, 8 इधर वाली कंपनी में आ गए, उधर बचे 2, लेकिन इधर 88। अब इस कंपनी की कीमत हो गई है लेकिन 800 रुपए, तो 12 गौतम के पास है, तो टोटल उसके पास हो गए 812 रुपए। हैं 100 ही पर उसकी कीमत 812 हो गई। अब गौतम बुद्ध नहीं, गौतम अपना काल्पनिक, उसकी कंपनी की वैल्यूएशन 800 रुपए हो गई, शेयर मार्केट में उसके शेयर्स में तेजी आ गई, वो और कंपनियां बना रहा है, और लिस्टेड कंपनियों में 1%, 1.5%, 2%, 2.5%, 3.5% लेकर शेयर जो है अपना 1000 करोड़ डाल देता है, यानी कि 1% 1000 करोड़ में खरीदा तो 1,00,000 करोड़ की कंपनी हो गई। अब इसी आधार पे ये काल्पनिक काम वाले गौतम, काल्पनिक व्यक्ति जो है, उसकी नेटवर्थ आके जाने लगती है, कीमत दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में जा पहुंचता है। अब आप देखिए कितना इंटेलिजेंट है भाई अपना, 10 रुपए ट्रांसफर किए, 8 रुपए लगाए, 800 बना दिए। अब गौतम के कई रिश्तेदार जो है विदेश में
ऐसी ही कंपनियां बना रहे हैं, आप लोग उसको शेल कंपनी कहते हैं। गौतम की जितनी कंपनियां देश में नहीं है उससे कहीं ज्यादा विदेश में, बस वो गौतम जैसे काल्पनिक नाम है वैसे ही उनके भी नाम बदले हुए काल्पनिक नाम पे हैं। अब गौतम अपने देश में ये जो शेयर महंगे हो गए हैं, कीमत बढ़ गई, इसी के दम पे भाई बड़ा बड़ा लोन ले सकता है, सरकारी ठेके ले सकता है, विदेशी ठेके ले सकता है, अमीर आदमी है। अब ये देश जो है इसका भी काल्पनिक नाम है, इसका नाम है विश्व टीचर, और विश्व टीचर नाम के इस देश का एक काल्पनिक प्रधान नेता है, वो ऐलान कर चुका है कि भाई काला धन खत्म करना है, देश की तरह काल्पनिक। तो अब वो गौतम की काला धन खत्म करने की स्कीम से इतना इंप्रेस होता है भाई कि 24 घंटे गौतम को साथ लेकर चलता है, उसी के हवाई जहाज से घूम रहा है, उसी के पैसे से चुनाव लड़ रहा है। तो विश्व टीचर ये जो काल्पनिक नाम का देश है, इस देश में अब गौतम जो काल्पनिक आदमी है उसको टीवी चैनलों पर बिठा के देश का मालिक बना दिया जाता है, प्रधान नेता हो, मुख्य नेता हो, सब उसके आगे जो है झुक गए हैं, गिर गए हैं। वो सबको चंदा दे रहा है, सब उसको धंधा दे रहा है। अब इतनी मेहनत गौतम ने की है भाई, तो कुछ तो सिला मिलेगा। अब ये जो विश्व टीचर काल्पनिक देश, विश्व टीचर यूरोप, वहाँ का जो शेयर बाजार है, वहाँ बहुत सारे लोगों ने गौतम के शेयर खरीद लिए हैं। उनमें से ज़्यादातर को पता है कि शेयर की कीमत गौतम ने कैसे बढ़ाई है, फिर भी उन्होंने शेयर खरीदा, क्योंकि उनको तो प्रॉफिट का बारे से मतलब था, उनको पता था कि ये गिरेंगे एक दिन, तो उन्होंने कहा कि जब ऊपर जाएगा पीक पे तब बेच देंगे सही टाइम पे। लेकिन लेकिन भाई साहब, देश देश गौतम का घर का नाम है, लेकिन देश के दुश्मन दुनिया भर में है, मतलब गौतम के दुश्मन विश्व टीचर को बदनाम करना है, अब गौतम को बदनाम करना शुरू कर दिया, और क्या करेंगे देशद्रोही में, देशद्रोही मतलब गौतम द्रोही। तो एक फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी कोई आई, हिडन बल्ब, ये भी बदला हुआ नाम है, उसने ये सारी बातें जो हमने आपको बताई पहले ये छाप दी एक रिपोर्ट में। अब भाई साहब, देश यानी कि गौतम यानी कि विश्व टीचर और दोनों जो भी है उनकी बदनामी होने लगी। अब ये कैसे बर्दाश्त कर पाते? तो गौतम जो काल्पनिक नाम वाला है वो चाहता था कि वो इस कंपनी को देशद्रोही करार दे दे, लेकिन फिर प्रधान नेता ने उसे याद दिलाया कि हिडन बल्ब जो है वो अपने देश का ही नहीं, देशद्रोही कैसे होगा। तो गौतम ने एक नया आइडिया सोचा। गौतम ने जो है काल्पनिक नाम वाले गौतम को अपनी कंपनी के एक आला अधिकारी के पीछे विश्व टीचर का झंडा रख दिया देश का, और सारे आरोपों का खंडन करवाया, और उससे कहलवाया कि भाई गौतम जो है इन काल्पनिक आरोपों के खिलाफ केस करेगा। फिर उसके बाद गौतम जो है बैठ के सोचने लगा, पेड़ के नीचे नहीं, बुद्ध नहीं हुए, तो वो सोच रहा था, तभी उसको याद आया कि एक तो ये केस विदेश में करना पड़ेगा, ऊपर से आरोप काल्पनिक कहने से काल्पनिक हो तो जाएंगे नहीं, साबित हो गए तो काल्पनिक नाम वाले गौतम ने केस की चेतावनी जो दी थी उसको काल्पनिक केस कर दिया, तो भूल गया, और बोला कि मतलब तो किसी ने कहा कि काल्पनिक चेतावनी जो है उसको धमकी भी कहते हैं, गीदड़ भक्की, तो लेकिन गौतम नहीं मान पाए सर। तो काल्पनिक नाम वाले गौतम ने केस वाली बात इग्नोर कर दी, कल्पना मानी, और सोचा कि पब्लिक से और पैसा निकालते हैं, एक FPO उसको आना लाना था, उसने सोचा FPO बिक गया तो शेयर गिरने से बच जाएंगे। गौतम ने FPO लॉन्च किया बिल्कुल धूमधाम से। दो दिन बीत गए, गौतम की खुद की कंपनी के किसी कर्मचारी ने नहीं खरीदा। अब उसने परेशान होकर प्रधान नेता को संपर्क किया काल्पनिक, तो काल्पनिक प्रधान नेता पहले ही परेशान थे कि भाई ये बजट आने वाला है, काल्पनिक बजट है, उसके पहले क्या मुसीबत आ गई। तो वो बोले कि भाई देश जो गौतम का घर का नाम है, देखो यार हम क्या हैं, हमें चुप रहना पड़ेगा। गौतम ने कहा कि देखिए आपने मेरा नमक खाया है, आपने मेरा साबूदाना खाया है, आपने मेरी खांडवी भी खाई है, कुछ तो करना पड़ेगा आपको, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो काल्पनिक नाम वाले गौतम ने ये काल्पनिक प्रधान नेता से कहा कि देखिए मेरी जान फंसी, तुम्हारी नाक भी जाएगी गुरु, अब तुम ये जो हर शब्द नाक से बोलते हो ना, ये फिर बोल नहीं पाओगे, तो फिर अपना वो जो 3 घंटे का संडे वाला रेडियो क्रिंज है वो कैसे करोगे। हाँ नेता फंस गए, बोले कि भाई हाँ बताओ भाई बताओ क्या करना। गौतम ने कहा कि ऐसा है मेरा FPO बिक रहा है। प्रधान ने कहा भाई नहीं बिक रहा है तो कौन था तुम्हारे घर से पैसा लग रहा है, रहने दो। काल्पनिक नाम वाले गौतम ने कहा कि देखो नहीं बिका तो बाकी जो कंपनियां हैं जिनमें पैसा लगाया है वो ऑफशोर कंपनी से उसके शेयर गिर जाएंगे, समझो मित्रों यार। तो प्रधान नेता ने कहा मतलब केवल साख बचानी है ना। गौतम ने कहा दोनों की, अपनी और तुम्हारी। प्रधान नेता ने जिनसे कहा कि भाई पैसा लगा के यार ये FPO खरीद लो, उन्होंने कहा कि भाई गिर रहा है मार्केट, इसका शेयर गिर रहा है, इसमें घाटा झेले पैसा लगा के, हम पहले ही आपकी काल्पनिक आर्थिक नीतियों से तबाह हो चुके हैं। तो उनको कहा गया भाई, भरोसा दिलाया गया कि अब जियो के अलावा
जीने दो पर भी सोचा जाएगा। तो ऐसा होते होते इसके बाद वो दूसरे सेठ आगे आए, उन्होंने आखिरी दिन के आखिरी घंटों में ये FPO खरीद लिया और गौतम की लाज बच गई। FPO पूरा बिक गया और गौतम के कंपनी के कर्मचारियों की नौकरी बच गई, मतलब वरना फिर तो क्या ही होता। अब हुआ ये कि बाजार खुलने से पहले बजट की रात तक सारा पैसा लौटा दिया जाएगा, ये वादा किया गया। तो बचा हुआ FPO गौतम के नाम की ही तरह काल्पनिक कैपिटल वाली शेल कंपनियों ने खरीदा। कुल मिला के सारा FPO बिक गया। बजट की शाम को ये FPO वापस ले लिया गया। काल्पनिक नाम वाले गौतम ने एक वीडियो जारी किया और कहा कि हमारे काल्पनिक धंधे को काल्पनिक नाम वाले काल्पनिक FPO में निवेश के लिए धन्यवाद, हम अपने काल्पनिक निवेशकों के आभारी हैं। लेकिन बाजार में हमारे काल्पनिक दाम की वजह से जो असली उतार चढ़ाव हो रहा है उसको देखते हुए हमारी काल्पनिक नैतिकता को ये स्वीकार नहीं है कि हम ये FPO जारी रखें, तो हम ये काल्पनिक पूंजी काल्पनिक निवेशकों को वापस लौटा रहे हैं। अब क्या हुआ? हुआ ये कि भाई काल्पनिक निवेशकों ने काल्पनिक तालियां बजाकर काल्पनिक नैतिकता के कसीदे पढ़े। गौतम जो कि काल्पनिक नाम वाला आदमी है, उसने अपने काल्पनिक धंधे काल्पनिक कंपनियों से असली पूंजी बनाई, असली लोगों से असली इज्जत हासिल कर ली, काल्पनिक देश की काल्पनिक सरकार और काल्पनिक एजेंसियों ने कल्पना में भी कुछ नहीं किया। आगे अंत में एक बार फिर से आपको शेल कंपनी स्टेक खरीदने पूंजी के खेल और इन्फ्लेटेड नकली काल्पनिक वैल्यूएशन का खेल समझा देते हैं। आपने कपिल शर्मा का शो देखा होगा, उसमें किरदार था गुत्थी, वो एक इंट्रोडक्शन दिया करता था, तभी आपने गौर से देखा है ये वही खेल है। गुत्थी कहती है गुत्थी कपिल, कपिल कीकू, कीकू गुत्थी, यानी कि गुत्थी वही है, हर जगह घूम रही है, इंट्रो करा रही है। ये थी आज की कहानी, हमको लगा आपके लिए जानना जरूरी है। जाते जाते एक बार कि ये कहानी काल्पनिक थी, इसके सारे किरदार काल्पनिक थे, इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से अगर कोई असली संबंध है तो ये उसकी खुद की जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप देख रहे थे मीडिया विजन, मैं हूँ मयंक सक्सेना। Yeah.